इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीडीएस रावत का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, M-117 घने जंगल में गिरते ही चकनाचूर हुआ, बुरी तरह जल चुकी 11 शव बरामद किए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में 11 अफसरों की मौत हो गई है। हादसे के बाद स्थानीय लोग रेस्क्यू टीम के साथ आग बुझाते नजर आए हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश होते ही धू धू कर जलने लगा। आग के बीच कुछ ही देर में राख का ढेर नजर आने लगा। हेलीकॉप्टर पहाड़ी के पास क्रैश हुआ। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। हालांकि तब 4 अधिकारियों की लाश बरामद की जा चुकी थी। क्रैश होने के बाद सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर टुकड़ों में बट गया। चॉपर के क्रैश होने के बाद आसपास के पेड़ों में भी आग लग गई। फायर कंट्रोल टीम ने पानी डालकर इस आग को बुझाया। हेलीकॉप्टर गिरने के बाद कुछ ही देर में आसपास धुआं ही धुआं नजर आने लगा। हादसे के बाद यहां बड़ी तादाद में स्थानीय लोग जमा हो गए। हेलीकॉप्टर क्रैश के जगह के आसपास कई पेड़ गिर गए। इससे रेस्क्यू ऑपरेशन करने में परेशानी होने के बाद पेड़ हटाए गए। रेस्क्यू टीम के साथ स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आए हैं। लोगों ने पाइप के जरिए पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। क्रैश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन दल के कर्मचारी इलाज के लिए घायलों को ले जा रहे हैं। पहाड़ी के नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। हम आपको खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।